हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, मैं दीपांकर सर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार इस प्लेटफॉर्म में फिर से वेलकम कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग जेईई मेंस 2020 का एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड स्ट्रेट लाइंस का मिक्स कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इफ द लाइन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी टच द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एट द पॉइंट्स where the curve intersects the x-axis, then a by b is equal to, ठीक है। तो ये subjective question है, numerical type में इसका answer आपको बताना है ना। तो question हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। जो data दिए हुए my dear friends, आपको एक line दिया हुआ है x plus y equal to a, and जो second line दिया हुआ है x minus y equal to b। ये curve दिया हुआ है y equal to x square minus 3x plus 2। ये कर्व सबको पता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये आपका पैराबोला का कर्व है। एंड पैराबोला कैसा पैराबोला है? अपवर्ड ओपन पैराबोला है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। एंड इसके जो रूट्स है माय डियर फ्रेंड्स, इसके रूट्स आप देख सकते हो, इसके फैक्टर हो जा रहे हैं एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। यानी एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट कितना हो गया, 1, 0 एंड 2, 0। यानी दो लाइन है, ठीक है, और दोनों क्या है, टेंजेंट है एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर एक लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा इस तरह से। ये पता नहीं है कौन सा लाइन टेंजेंट होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। इसी तरह से यहां पर भी एक लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप अगर टेंजेंट के स्लोप की बात करते हैं तो आप सभी को पता है टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, तो अगर कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x-3। तो आपको देखना है डी वाई बाई डी एक्स एट 1, 0, एट 1, 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 − 3 = −1। यानी ये जो लाइन होगा इसका स्लोप m, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, ये हो जाएगा −1। जब इस पर −1 होगा तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट पर कितना हो जाएगा स्लोप, ये वाला पॉइंट पर जो स्लोप हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका 1, 0 है इस पर जो लाइन टेंजेंट है, अच्छा इस ये जो लाइन है इसका स्लोप m कितना है, इसका स्लोप m −1 है। इसका मतलब 1, 0 पर जो लाइन है टेंजेंट वो x प्लस वाई इक्वल टू ए है, ठीक है। यानी 1, 0 पर जो टेंजेंट है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0, और जो 2, 0 होगा इस पर जो टेंजेंट हो जाएगा वो x माइनस वाई इक्वल टू बी। तो यहाँ से पुट कर दीजिए, पॉइंट को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कितना हो गया, 1 + 0 = a, एंड यहाँ पर मैं आपको मिल गया x का वैल्यू 2 − 0 = b। यानी आपको जो मिल गया a इक्वल टू वन एंड b इक्वल टू टू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड, a by b पूछ रहा है एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2। इट विल बी इक्वल टू 1/2। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने कर्व को ड्रॉ कर लिया, उसमें जो जीरो वाले पॉइंट है 1, 0, 2, 0, ठीक है। फिर आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली 1, 0 पर स्लोप निकाला −1। तो जब 1, 0 पर −1 निकला तो 2, 0 वाले पॉइंट पर स्लोप कितना हो जाएगा, 2, 0 वाले पर स्लोप तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक पर −1 दूसरे पर कितना हो जाएगा 1। तो 1, 0 पर लाइन पास करेगा x प्लस वाई इक्वल टू ए, पुट कर दिया तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल गया 1। इसी तरह से जब 2, 0 पर करेंगे तो b का वैल्यू कितना मिल गया 2, यानी a का वैल्यू 1। तो माई डियर फ्रेंड, इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा That will be 0.5, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा 1/2,
0.5 एंड आई होप ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो डियर फ्रेंड, अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा एंड इस तरह से जो भी कंटेंट है वो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप उसको जो है सीख सकते हैं इन सारे कंटेंट को। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।